सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जो कि MIUI 13 का एकदम लेटेस्ट बिल्ड है। MIUI TN का एकदम लेटेस्ट बिल्ड है हमारी Mi 11X, Poco F3 और Redmi K40 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को कैसी क्या परफॉर्मेंस देखने वाली है, बैटरी बैकअप कैसा है, और मेनली मेरा फोकस रहेगा इस रोम के परफॉर्मेंस चेक करने का। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो एज यूजल हम लोग चलेंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को MIUI 13 का वी वर्जन जो है 13.1.22.10.24 डेव बीटा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पुराना अपडेट है। अक्टूबर के आसपास का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड्रॉयड 12 के ऊपर है। यहाँ पे कर्नल हम लोग को यहाँ पे जो पफ कर्नल देखने को मिलती है, जो कि बाय मीन्स अप स्ट्रीम 157 के ऊपर बेस है। होम स्क्रीन पे आए तो लॉन्चर हम लोग को वही पुराना लॉन्चर देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मीन्स कस्टम लॉन्चर है। इसमें वही सारे फीचर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक कस्टम MIUI पे हम लोग को देखने को मिलता है, एज लाइक CSX हो गया या XTB हो गया, वही सारे फीचर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टाइल्स की अगर बात करें तो टाइल्स में हम लोग को ऑलमोस्ट हर एक चीज़ देखने को मिलती है, एज लाइक डॉल्बी एटमॉस हो गया, परफॉर्मेंस मोड हो गया, सारी चीज़ें वो सब हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सेटिंग पे वापस आएँ तो लेआउट हम लोग को वही सारा पुराना देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। नेटवर्क इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पे एकदम सारी चीज़ें परफेक्टली वर्किंग है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन पे आएँ तो यहाँ पे हम लोग को जो ऑलवेज ऑन के जो आइकन्स देखने को मिलता है वो इंडियन वाले ही हैं, कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। डिस्प्ले पे आएँ तो एंटी फ्लिकर मोड देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट में हम लोग को 60, 120 और 90 देखने को मिल जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। MEMC एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे आएँ, इसके फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक वो भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ने प्रेस पे सेट किया हुआ है। फेस अनलॉक की बात करें तो वो भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब यहाँ पे आते हैं मेन बात, यहाँ पे बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप हम लोग को यहाँ पे काफ़ी तगड़ा देखने को मिला है। एक हिसाब से परफॉर्मेंस सेंट्रिक रोम है तो हम लोग को स्क्रीन ऑन टाइम 18% पे, मीन्स 16% है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। वहाँ पे भी हम लोग को यहाँ पे 6.5 आवर के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला, जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी तगड़ा है। यहीं पर ये एडिशनल पे आए तो रैम एक्सटेंशन अप टू 2GB केबल देखने को मिलता है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे नहीं है। स्पेशल फीचर्स पे आए तो आपको टर्न्स ऑफ देखने को मिलता है, लेकिन इनमें से केवल गिने चुने ही केवल काम के हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। होम स्क्रीन पे आए कैमरे की बात करें तो कैमरे में हम लोग को केवल 4K 30fps ही केवल इनेबल देखने को मिलता है, उसके अलावा ऑलमोस्ट हर एक फीचर हम लोग को यहाँ पे परफेक्टली वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है। अब आते हैं होम स्क्रीन पे वापस। AnTuTu बेंचमार्क की बात करें तो AnTuTu बेंचमार्क का स्कोर हम लोग को काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है, 7,11,355 देखने को मिलता है, जहाँ पे हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था 7.8°C और 6% बैटरी ड्रेन हम लोग को देखने को मिला था। यहीं पर स्टोरेज टेस्ट की बात करें तो 47,000 के आसपास देखने को मिलता है। आता है यहीं पर इसके गीगबेंच के स्कोर पे, तो गीगबेंच का स्कोर जो हम लोग को देखने को मिलता है भाई आजा ओके, तो यहाँ पे हम लोग को सिंगल में 987 है, मल्टी में 3249 देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी तगड़ा स्कोर देखने को मिला है। यहीं पर ही बात करें CPU टोटल की, तो जब मैंने परफॉर्मेंस मोड ऑन नहीं किया था तब मुझे कुछ 92% मैक्स आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। यहीं पर ही जब मैंने पावर परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया था नो CPU टोटल देखने को मिला है, जिसमें मैक्सिमम हम लोग के CPU क्लॉक स्पीड जो देखने को मिली है वो 3.18 देखने को मिली है GHz, और यहाँ पे मैक्स GIPS हम लोग को 3,12,000 है और एवरेज में 3,07,000 देखने को मिला है। सेफ्टी नेट की बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट फेल्ड देखने को मिलता है यहाँ पे, ड्यू टू CTS प्रोफाइल भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ओके। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं DRM4 की बात करूँ, फिर कंक्लूजन वाले पार्ट पे आपको इसके कमियां और सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको सॉल्व कर दूंगा। DRM4 में वाइड वाइन L1 है, PUBG में आपको स्मूथ और स्ट्रीम 90fps देखने को मिल जाता है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, तो यार देखो ये रोम वही वाली है MIUI 13 की, जहाँ पे आप अगर MI 11X पे, क्योंकि अगर कोई ग्लोबल रोम आप इंस्टॉल करते हो MI 11X पे MIUI 13 पे, तो आपको ये बग देखने को मिलता था कि आपको डिस्प्ले के फीचर्स जो हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते थे। और बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए भाई साहब थोड़ी बहुत माफ़ी, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है अब ओके। तो यहाँ पे हम लोग को रिफ्रेश रेट सारी चीज़ें इनेबल करने के लिए अलग से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, और मीन्स अलग से इन द सेंस कि आपको अपने डिवाइस को अलियोथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा अलियोथ इन से, तब जाके आपको ये सारे फीचर्स इनेबल देखने को मिलेगा। इनकी वीडियोस मैंने आई थिंक लास्ट वाले चैनल पे डाला था इसका सोल्यूशन भी सारी चीज़ें, तो आप देख तो नहीं पाओगे लेकिन अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कैसी क्या चीज़ें इसको फिक्स करनी है।
दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सेफ्टी नेट और सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो आप मैजिक से उसको फिक्स कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे बात कर लें हम लोग, यहाँ पे जो हम लोगों ने बाहर जो ये हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि घर के पास हम लोग के इवेंट चल रहा है भाई, नगाड़े वगाड़े एनऑल सब बैकग्राउंड म्यूज़िक तगड़ा वाला चल रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि भाई वीडियो तो देनी ही है, तो इस वजह से हम लोग बाहर आ गए घर के थोड़ा दूर, तब जाके हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मेरा कंक्लूज़न ऐसा है कि हाँ भाई, गेमिंग के लिए अगर आपको बाय चांस ये कोई MIUI बेस्ड रोम चाहिए तगड़े लेवल की, तो आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। Don't give up. Your teammates can still recall you. कर रहे हैं काम ना, कर देंगे ये इसको।